तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ये ट्यूब कलर्स। मेरा बहुत मन था ये लेने का, तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे खरीदने के लिए। चलो खोलते हैं। तो फर्स्ट इसमें ये मिली है पैलेट, जो कि 15 रुपीज़ की है, पर इसमें फ्री मिली है। और ये ऐसी वैसी पैलेट नहीं है जो सस्ती मिलती है, ये बहुत हैवी पैलेट है, बढ़िया। इसे वाटर कलर इसमें ये ब्रिलियंट का ब्रश मिला है, बहुत सुपर सॉफ्ट है। और ये सारे कलर्स ऑरेंज ब्लू है, देख सकते हैं आप लोग। चलो अब इसे यूज़ करके देखते हैं मिनी कैनवास पर। तो इसमें से हम लेते हैं पर्पल कलर, ये बहुत ही टाइट है खोलने पर, बढ़िया कलर्स। देखते हैं इसे यूज़ करके आज ये ने अच्छे कैसे, और ना ये इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं, ये तो कोई भी ले सकता है, ओनली 100 रुपीज़ के। तो ये हमने पैलेट में थोड़ा सा निकाल लिया है, ये मैं कलर है। और इस साइड हम निकाल लेते हैं वाइट थोड़ा सा, तो हम इसमें वाइट भी निकाल लेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा ज़्यादा कलर्स नहीं निकाल लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे ही बहुत डार्क होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ना है ठीक है, मैंने वाटर डाल दिया। अब यहाँ हम लेंगे थोड़ा छोटा सा मिनी कैनवास, और चलिए लेते हैं कलर, स्टार्ट करते हैं कलर करना। मैंने सोचा था ये पर्पल कलर होगा जैसा कि ट्यूब पे दिख रहा है, पर ये पर्पल नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट पिंक कलर, इतना बढ़िया लग रहा है। ये पूरे में ही मैंने पिंक कर लिया है, ये बहुत ही सुंदर कलर, देखिए खिल के दिख रहा है हमें यहाँ पे। अब ऐसे ही हम मिनी पेंटिंग बना लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बन जाएगी इससे। और ये बढ़िया तरीके से हमने पिंक कर लिया है इस पर पूरे पे, अभी थोड़ा डार्क होता ये, मतलब ये वाला नीचे वाला थोड़ा लाइट होता, पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमें थोड़े से क्लाउड्स इफेक्ट डालेंगे और नीचे ब्लैक करेंगे, तो ब्लैक निकाल लेते हैं हमारा ब्लैक ट्यूब। तो हम इसे खोल के ओपन करके निकालते हैं, और ये हम बड़ी इस पहले पे निकालेंगे, मैं ज़्यादा नहीं निकाल लेंगे क्योंकि ऐसे कलर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें इधर। और हम इसी को ही ब्रश कर लेंगे, और ये ही हम ऐसे ब्लेंड करके क्लाउड शेप दे देंगे थोड़ी सी। और ये ही हमारा ऐसे फिल करना है हमें। और देख लीजिए फ्रेंड्स आप कितने स्मूथ चल रहे हैं ये कलर, और है ना फ्रेंड्स, देखिए। इस साइड हम अपना ये वॉश कर लेते हैं ब्रश को एक साइड। इसमें देखिए पैलेट में कितने बढ़िया से वो दिए हैं कि हम बहुत सारे कलर्स डाल सकते हैं इसमें। तो हम थोड़ा वाइट कलर और निकाल लेंगे, तो चलिए निकालते हैं। थोड़ा सा वाइट कलर और चाहिए होगा हमें क्लाउडी इफेक्ट देने के लिए, तो हमें निकाल लिया है। सो अब हम इधर क्लाउडी इफेक्ट दे देंगे, थोड़ा सा क्लाउडी इफेक्ट देना है हमें इधर, मैंने बोल दिया था पहले ही आपको, तो थोड़ा बहुत क्लाउडी इफेक्ट दे देंगे ऐसे ऐसे करके। मैं क्लाउडी इफेक्ट दे दिया है फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें डालना है थोड़ी सी पैटर्न, तो मैं इधर डाल रही हूँ इधर एक खंबे का डिज़ाइन। तो ऐसे करके हमें लाइन खींच के ये बना लेना है, ये आपने रोडों पे देखा होगा होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसमें बहुत इशू भी होते हैं। ये लाइट वाला किया है हमने इस बार, तो इसमें पतली सी लाइन आएगी ऐसे करके, पतली सी लाइन आएगी, ये थोड़ी मोटी बन गई, आप थोड़ी पतली बनाइएगा, है ना। और इधर हमें छोटी सी एक पार्ट बना देनी है, वो आपकी मर्जी है, लंबी पतली जैसे भी बनाए, है ना फ्रेंड्स। तो
तो यहाँ तो मैंने बना दिए, बर्ड भी बना दी। हम यहाँ थोड़े से पंछी बनाने हैं, तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दिए। और आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया पेंटिंग हुई है मिनी कैनवास पर। और ये कलर्स तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल है ट्यूब कलर से। आगे मेरे को पता है मैं और भी अच्छा कर लूँगी जब मेरे को अच्छे से यूज़ करना आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पेंटिंग तैयार हो चुकी है और आप देख ही सकते हैं कितने स्मूथ कलर्स चल रहे हैं इस पर। और ये कैनवास पे की जा सकती है। ये वैसे छोटा मिनी कैनवास टाइप पेपर है और ये कलर्स तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और इसका प्राइस है 100 रुपीज़ और इसमें 12 कलर्स 12 शेड्स हैं। और इसके साथ 1 ब्रश, इतनी क्वालिटी वाला ब्रश फ्री भी मिला है और 1 पैलेट क्वालिटी वाली फ्री मिली है। डॉम्स की 15 रुपीज़ की थी पैलेट और ये ब्रश आता है 10 रुपीज़ का। ये सब हमें फ्री मिला और 100 रुपीज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और आप मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।